खबर इलाहाबाद से। इलाहाबाद के एडीएम नजूल ओपी श्रीवास्तव इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। एडीएम साहब की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें एडीएम साहब संगम तट पर टॉयलेट करते दिख रहे हैं। 23 फरवरी से संगम तट पर त्रिवेणी महोत्सव की शुरुआत हो रही है, इसी को लेकर जिलाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। इसी बीच एडीएम नजूल ओपी श्रीवास्तव टॉयलेट करने संगम तट पर पहुंच गए। इनकी इस हरकत को किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया और तस्वीरों को सोशल साइट पर डाल दिया। इन तस्वीरों को देखकर कई सवाल उठते हैं कि अगर प्रशासनिक अधिकारी ही ऐसी हरकत करेंगे तो गंगा यमुना को गंदी होने से आखिर कैसे रोका जा सकेगा। ये तस्वीरें देखिए आप, ओपी श्रीवास्तव एडीएम है नजूल, जो कि खुद टॉयलेट करने गंगा में ही चले गए। और इसके बाद हालांकि इनकी ये तस्वीरें किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और आखिरकार अब ये तस्वीरें सोशल साइट पर वायरल हो रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब इस लेवल के अधिकारी ही इस तरह की हरकत करेंगे तो आखिर गंगा यमुना को साफ रखने के लिए कैसे वो दूसरे लोगों को शिक्षा दे पाएंगे, हिदायत दे पाएंगे। हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। ओपी श्रीवास्तव एडीएम है और वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान ये खुद गंगा में ही टॉयलेट करने पहुंच गए, जो कि तस्वीरें किसी ने अपने कैमरे में कैद कर ली और ये तस्वीरें अब सोशल साइट पर वायरल हो रही हैं। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि जो इस स्तर के अधिकारी हैं उनके जरिए ये हरकत किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराई जा सकती। गंगा को साफ करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए लगातार सरकारें खर्च कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की, गंगा को साफ करने के लिए जो योजनाएं बढ़ाई जाती हैं आगे अमलीजामा पहनाई जाती हैं, इन्हीं अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो खुद अधिकारी आखिर क्या हरकत करते हैं ये तस्वीरों से आपके सामने हैं। एडीएम ओपी श्रीवास्तव नजूल, जो कि टॉयलेट लगने पर खुद गंगा में ही टॉयलेट करने चले गए और उनकी ये तस्वीरें किसी ने अपने कैमरे में कैद कर ली और ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं और लोग इन पर तरह तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आखिर संगम तट पर खुलेआम टॉयलेट करते हुए नजर आए एडीएम ओपी श्रीवास्तव और ये सब कुछ मोबाइल के कैमरे में कैद हो गया। अब सोशल मीडिया, जी हां सोशल मीडिया, जहां कोई भी बच नहीं सकता और एडीएम ओपी श्रीवास्तव भी वहां बच नहीं पाए, जमकर वायरल उनका ये फुटेज हो रही है, उनकी ये तस्वीरें हो रही हैं और उस पर बहुत सारे लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लगातार आपत्ति भी जाहिर कर रहे हैं, जो कुछ एडीएम ओपी श्रीवास्तव संगम तट पर करते हुए नजर आए हैं। इलाहाबाद से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। दरअसल ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। ये जो शख्स बाथरूम करते नजर आ रहे हैं संगम तट पर, ये कोई और नहीं बल्कि एडीएम ओपी श्रीवास्तव है, नजूल के एडीएम है ओपी श्रीवास्तव, जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये संगम तट पर बाथरूम करते टॉयलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और उसी दौरान ये संगम तट पर बाथरूम करने पहुंच गए, टॉयलेट करने पहुंच गए और इसी दौरान किसी ने अपने कैमरे में ये सारी तस्वीरें कैद कर ली। अब सोशल मीडिया, जी हां सोशल मीडिया, जिस पर जमकर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और लोगों की नाराजगी भी लगातार निकल कर आ रही है इन तस्वीरों पर। लोग तमाम तरह की आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल यह भी है कि बड़े अधिकारी जो इस लेवल के, इस स्तर के अधिकारी हैं, इन्हीं के ऊपर बड़ी बड़ी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी होती है। गंगा को साफ करने के लिए भी कई योजनाएं बनी और उन योजनाओं में अरबों खरबों रुपए भी खर्च किया गया, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इसी तरह के अधिकारियों के चलते जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो विफल हो जाती हैं। जब ये खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं तो दूसरों को जिम्मेदारी समझाने की बात तो खैर नाकाफी है और इन अधिकारियों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर एडीएम नजूल ओपी श्रीवास्तव, जिनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और साफ नजर आ रहा है कि एडीएम ओपी श्रीवास्तव टॉयलेट करते हुए खुद तट पर नजर आ रहे हैं, संगम तट पर ये टॉयलेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि लाख दावे लाख बातें की जाती हैं गंगा को साफ करने की।